डीएनए की टीम आ चुकी है ट्रेड फेयर में, दिल्ली ट्रेड फेयर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं ट्रेड फेयर का आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। घूम ले, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया एक्सपीरियंस है, हमेशा अच्छा लगता है और अच्छा ही लग रहा है। लेकिन जो अगर हम कंपेयर करें आज से 15-20 साल पुराना, तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता था जब हर एक स्टेक का एक डिफरेंट पवेलियन और हर एक स्टेक की अलग बिल्डिंग थी और उसमें उसी स्टेक का हैंडीक्राफ्ट, उसी स्टेक का कल्चर और सारा का सारा थीम होता था। सबसे बढ़िया जो स्टेट है वो कौन सी लगी आपको, कहाँ का कल्चर सबसे बेस्ट लगा है? देखिए, हमें राजस्थान का और हिमाचल का, उत्तर प्रदेश का। क्या नाम है अंकल आपका? सुनील त्यागी। आपको क्या बढ़िया लगा है? सारे बढ़िया, सारा हर जगह बढ़िया। दोनों की जोड़ी ने मतलब आज गदर मचा दिया पूरे में, घूम घूम के, पूरा घूम घूम के। हमने एक गाड़ी सामान भेज दिया है अपना। अच्छा, हाँ। एक गाड़ी पहले भेज दिया है हमने, तो काफी ज्यादा एंजॉय हुआ। बेस्ट चीज अगर मैं पूछूं एक बार में, तो कौन सा आपको स्टेट सबसे बेस्ट लगा है, कल्चर कौन सा अच्छा लगा है, और कुछ शॉपिंग वगैरह की है? देखो, जो कल्चर मेरे को इस बार जो सबसे अच्छा लगा है वो तो भाई छत्तीसगढ़ का, जो मेरे को काफी है, और बिहार पवेलियन और कलकत्ता ने तो दिल जीता है। अच्छा। क्योंकि इस तरीके का पहले नहीं होता था, मैं तो काफी 7-8 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो उस तरीके का आ ही नहीं रहा था, बट अब की बार काफी मतलब स्टेट्स भी बड़े हो गए हैं और उनमें डेवलपमेंट दिख रहा है। क्या नाम है भैया आपका? द फिट मेनिया। कैसा लग रहा है? जस्ट लाइक अ वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ लग रहा है भाई को। तो क्या सबसे बेस्ट चीज रही, क्या देखा आपने? यार, जो उड़ीसा वाले का वो बनाया हुआ ना, वो लिटरली बहुत मजा आ गया देख के। उड़ीसा का अच्छा था, बिहार का भी अच्छा था, और उत्तर प्रदेश तो है ही, उत्तर प्रदेश तो है ही है। घूमो फिरो, अच्छा है, एक दिन बिता के जाओ, पूरा फिट रहो, फिट रहो। पहले भी जैसे सालों में लगे हुए हैं, पिछले साल भी लगा था, उसके पहले भी लगा था, कुछ अंतर नजर आ रहे हैं? हाँ, इस बार ना फूड का ज्यादा लगा हुआ है, और जब पिछले बार आए थे हम तो वो घर के सामान वगैरह जैसे चीजें होती है वो सब ज्यादा लगा था, लेकिन अभी इस टाइम फूड का, खाने का, और जैसे ड्रिंक्स वगैरह इन सब चीजों का ज्यादा स्टॉल्स वगैरह लगे। क्या अंतर लग रहा है पिछली बार से? थोड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा कंपनियां आई हुई है सेल्स के लिए। वही क्या लग रहा है कि जैसे आप यूथ हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लोकल वेंडर्स हैं अलग अलग प्रदेशों के, जिन्होंने यहाँ पर लगाई हैं दुकानें, उनको बढ़ावा मिल रहा है अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रदेशों की इनसे? ये अवेयरनेस कैंपेन है इंडियंस के लिए, जो कि नहीं जानते हमारे डिफरेंट स्टेट्स में कितने लोग, कितने प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मेड हैं, डिफरेंट कंट्री के प्रोडक्ट्स वो यूज नहीं करते हैं, डिफरेंट कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, वो जानने को मिल रहा है कि वो इंडियंस भी वो प्रोड्यूस करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? उनके लिए कि इंडियन मेड प्रोडक्ट्स वो यूज करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करें, मेक इन इंडिया में वो इन्वॉल्व हो। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर आप आएंगे? मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। नहीं, मैं आती रहती हूँ। अच्छा, तो इस बार जैसे अलग अलग चीजें बढ़ी हैं, भैया ने भी बताया कि नया कुछ हुआ है, तो क्या डिफरेंस लगा है, सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगी इस बार? मेरे को सबसे ज्यादा ये लगा कि मैं फर्स्ट टाइम मैं प्रगति मैदान की जो इस इवेंट में आई हूँ, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी मेरे को ज्यादा लगी है, और यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स आए हैं और कंट्रीज अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर ट्रेड फेयर में या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है आपका, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। तो आज प्लान क्या सुबह का किया था या फिर शाम का किया था? शाम का प्लान किया था, शाम का ही प्लान किया था स्पेशली, सर्दी बढ़ गई है। फर्स्ट मरतबा इधर आए ना, तो मालूम नहीं था कि यहाँ पर कितना इलाका घूमने का, क्या क्या चीज है। अभी आप आए हैं? अभी आए हैं तो नहीं, आए हुए हम 4 बजे से पहले आए। अच्छा, लगभग घूम लिया है कुछ, और अगली मरतबा जब आएंगे तो टाइम लेकर आएंगे, टाइम लेकर आएंगे, पहले आएंगे। जी जी हाँ। तो अंदर आके फील हुआ कि काफी बड़ा है? अंदर पहले से नहीं मालूम था। कौन सा प्रदेश सबसे बढ़िया लगा? सब अच्छे हैं, हिमाचल ज्यादा अच्छा लगा। हिमाचल, हिमाचल की वादियों में अंकल खो गए हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा उधर का वादिया। दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे? नहीं, यह है दिल में इरादा कि जब जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश जरूर जाएंगे घूमने, बहुत अच्छा लगा।